तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोड़ी का किरदार निभाने वाला एक्टर गुरचरण सिंह 22 अप्रैल से ही लापता है। उनके गुमशुदगी को अब 23 दिन हो गए हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में उनका पिता हरगीत सिंह का दर्द छलका है। एक्टर के पिता बेटे के लापता होने की वजह से काफी परेशान हो गए हैं। हरगीत सिंह एक इंटरव्यू में कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अपने बेटे को आने का इंतजार करके अब थक गया हूँ। मैं बस किसी भी हाल में अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। गुरु जहाँ कहीं भी हो, मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द लौट आए। गुरु से मेरी आखिरी बार 21 अप्रैल को बातचीत हुई थी। गुरचरण सिंह के पिता ने आगे बताया, पुलिस के भी लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने तसल्ली दी है कि 1-2 दिन में वो गुरु के बारे में अपडेट देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो भी जानकारी दे वो पॉजिटिव हो। बता दें आपको कि गुरुचरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से लापता है। पुलिस को एक्टर की आखिरी लोकेशन दिल्ली का पालम इलाका मिला। जांच में ये भी पता चला है कि गुरचरण सिंह फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी परेशान थे और उनकी शादी भी होने वाली थी। वे डिप्रेशन का भी शिकार थे। एक्ट्रेस की गुमशुदगी के मामले में पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी है। पुलिस पूछताछ करने के लिए तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सेट पर भी पहुंची। बता दें कि गुरचरण सिंह ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लंबे वक्त तक रोशन सिंह शोड़ी का किरदार निभाया था। हालांकि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने शो छोड़ दिया था। अब एक्टर काफी दिनों से लापता है और पुलिस को उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है।